घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र में एमएनएस पार्टी कैंडिडेट गणेश चुगल ने चुनाव प्रचार के आज के आखिरी दिन जोरदार चुनाव प्रचार रैली निकाली। उनकी रैली में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। कई गाड़ियां लेकर लोगों ने उनकी रैली में शिरकत की थी। रैली में बुलेट पर महिलाएं भी बुलेट राइड करती नजर आई। लोगों का कहना है कि घाटकोपर विधानसभा में बदलाव जरूरी है। क्षेत्र की जनता क्षेत्र के बदलाव के नए ऑप्शन तलाश कर रही है और वो ऑप्शन के रूप में एमएनएस कैंडिडेट गणेश चुगल को देख रही है। लोगों ने कहा कि इस बार घाटकोपर में एमएनएस का परचम लहराएगा। मुंबई घाटकोपर से महाइंडिया न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार, माय इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें घाटकोपर वेस्ट 169 वार्ड में आप देख सकते हैं जो है गणेश चुगल जी की जो रैली चल रही है उसमें बहुत से बाइकर सवार आज बाइक रैली भी बोल रहे थे, भव्य रैली निकाले। आइए कुछ बाइकर से बात करते हैं कि उनका क्या है, मर्शल क्या है, बताइए जो बाइक रैली है उसका क्या। ये बाइक रैली जो यहाँ पे निकला है वो सभी को लग रहा है कि पैसे के आशे से आए ले, पर ऐसा सबका गलत फहमी है। ये जो युवाओं का जो जोश है वो गणेश भाई के साथ हमेशा जुड़े रहे। ये इलेक्शन हमारा, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, माय इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें 169 घाटकोपर वेस्ट में और हमारे साथ है गणेश चुगल जी, जो आज उनकी रैली थी। आइए उनसे बात करते हैं क्या मतलब ये रैली का क्या महत्व था, आपको क्या प्रतिसाद मिला और पब्लिक की क्या। एक मिनट गणेश जी बताइए, जो अभी रैली अभी जो देखे तो प्रतिसाद मिला। अभी कुछ लोगों से मैंने बात भी किया रैली में, वो बोले क्या जो भाई जो है एक नंबर है और जो उसका काम एक नंबर है उसमें, और एक नंबर आगे उनको विजय करो, उनके बारे में बताइए। मैं जब इलेक्शन का पर्चा भरने जा रहा था तभी भी आपने देखा रहेगा क्या लोगों में उत्साह था, और आज ये शोभा रैली तो यहाँ पे जो हुई उसमें भी लोगों ने बहुत भारी सहभाग लिया और विशेषतः महिला और बाकी और लोगों ने सहभाग लिया। तो आप देखोगे, आप देखते रहेंगे इसमें कितना जोश और उत्साह है। तो वो 20 तारीख को भी ऐसा ही है आप देखोगे, और 23 तारीख को एक आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का एमएलए दिखाई देगा। ठीक है, शुक्रिया माइने। और एक बताइए कुछ दुर्गम का खास जो करती है इसके लिए आप सोचे वार्ड के लिए, मान सकते वार्ड के लिए करने के लिए, आप उनके बारे में कुछ बताइए क्या क्या। तो जो ब्लू प्रिंट आपके जो है लास्ट जो बार साइड वासी के लिए और पूरे इसके लिए करना चाहेंगे आप, आज जीतने की बात हो तो एक ब्लू प्रिंट आप लोगों के सामने कुछ बताइए। मैं ओनली पार्क साइड के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन घाटकोपर में जो जो विधायक काम हुए नहीं है वो चाहे बेसिक एम्यूनिटीज की हो, गली गटार पैसेजेस या टॉयलेट्स, और दूसरे जो पॉलिसी डिसीजन में जो अटके हुए हैं, रोड वाइंडिंग एलबीएस का एसआरए के प्रोजेक्ट हो या और कई सारी जो समस्या है पीछे बमखाने का जो डेवलपमेंट का इशू हो, ये सारी इशू में ध्यान देके उसको प्रायोरिटी से सॉल्व करने की। लोगों का भी अरमान है कि 15 साल में जो काम नहीं है गणेश चुगल जी आगे बढ़ के वो करेंगे, आप उसका उसके बारे में क्या कहना। जरूर उसमें प्रायोरिटी बेसिक एम्यूनिटीज का काम हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, और उसके बाद जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं एलवीएस का रोड वाइंडिंग है, एसआरए के प्रोजेक्ट है, बाकी पानी का जो बहुत यहाँ पे जो मसला है वो भी हल करेंगे, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, शुक्रिया माइंड से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख के बाद शुक्रिया। जैसे कि आपने देखे कि किस तरह से जुगल शुक्ला जी ने कहा कि जो समस्या है जो 15 साल में काम किया मैं आने के बाद वो काम पूरा करेंगे। कैमरामैन अली के साथ जय शेख, मुंबई। हमारे साथ कुछ महिला भी है मनसे से, आइए उनसे बात करते हैं कि ये रैली का अब क्या है और गणेश चुगल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए कि गणेश चुगल जी के जो अभी रैली है भव्य रैली है और 169 वार्ड घाटों पर वैसे वो खड़े हैं, तो उसके हम क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोलते सर, क्या प्रतिक्रिया। मराठी में बात करेंगे तो चलेगा। गणेश भाई की मोठी रैली आहे आणि या रैली मध्ये आम्ही काय सांगणार, गणेश भाई बद्दल बोलायचं म्हणजे शब्द कमी पडतात आम्हाला, कारण गणेश भाईनी जे सत्तेत असणारांनी जे केलं नाही ते गणेश भाई सरांसाठी करतायत, त्याच्यामुळे यावेळेस परिवर्तन हे नक्कीच होणार आहे आणि गणेश भाईच निवडून येणार आहेत। आप गणेश चुगल जी के साथ में अभी जो रैली में चल रही है तो रैली में आप क्या कहना चाहेंगे।
ये रैली बहुत बढ़िया निकला है और ये रैली का जो उम्मीदवार है एक एक नंबर का है उनका चिन्ह, हाँ चिन्ह इंजिन है, एक नंबर बटन है, उनको बहुमत से हम लोग को जीता के लाना है। 15 साल से जो उम्मीदवार है उनको हराना है। ठीक है, और एक नंबर पे रहेंगे। Subscribe and press bell icon to get daily update.